हेलो स्टूडेंट, आई एम राहुल सॉरी माय टीचर फ्रॉम सिराम एकेडमी हाई स्कूल सतना एंड टुडे टॉपिक मेंस्ट्रुएशन में एक्सरसाइज आपके ये चल रहा है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। एक्सरसाइज है 11.2 वो जो उसका नंबर हम 10 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें देखिए दिया है देयर इज अ पेंटागन शेप पार्ट, मतलब ये जो डायग्राम बना हुआ है ये पेंटागन में बना हुआ है, पेंटागन डायग्राम है। सुन इन द फिगर्स, जो ये पार्क में जो डायग्राम पार्क ये पेंटागन का पार्क यहाँ पे बना हुआ है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता, और इसको आप यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ज्योति एंड कविता ने इसको डिवाइड इनटू टू डिफरेंस वे, मतलब इस ट्रेपेजियम को टू डिफरेंट मेथड से उन्होंने सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया है देखिए, मतलब ये यहाँ पे हो गया ट्रेपेजियम सॉरी पेंटागॉन, पेंटागॉन को ये फर्स्ट यहाँ पे ज्योति डायग्राम, ज्योति ने ऐसे डायग्राम बनाया और सॉल्व किया। ऐसे सेम ये हो गया कविता डायग्राम, तो कविता ने ऐसे यहाँ पे डायग्राम बनाया और इस मेथड से यहाँ पे सॉल्व किया। ज्योति ने क्या किया देखिए, ट्रेपेजियम पेंटागॉन था इसको टू पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया गया, तो दो ये दोनों क्या हो गए ट्रेपेजियम हो गए। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ ट्रेपेजियम, और ये भी क्या है ट्रेपेजियम है, मतलब दोनों ट्रेपेजियम क्या होंगे सेम है। और सेम यहाँ पे कविता ने क्या किया, ये पेंटागॉन था, पेंटागॉन को यहाँ पे इन्होंने ऐसी लाइन बना दी, ये क्या हो गया स्क्वायर और ये क्या है ट्राइंगल। डिफरेंट डिफरेंस वे से दोनों ने इसको सॉल्व किया है, और यहाँ पे चीज गिवन भी है, ये साइड यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे भी 15 होगी साइड, आपको क्लियर है। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 15, यहाँ पे भी देख लीजिए यहाँ पे भी 15 है, तो ऑल साइड आपको पता है कि स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा टोटल 15 आएगा। अब यहाँ पे भी देख लीजिए कविता में भी यहाँ पे अगर 15 है तो इसमें अगर 15 है तो यहाँ पे 15, ये भी 15, ये भी 15, और जब यहाँ से यहाँ तक 15 है तो ये भी क्या होगा 15 हो जाएगा, ये यहाँ पे भी 15 आप कर दीजिए और ये भी क्या है 15 है। बट एक चीज ये और यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल जो हाइट दी गई है, मतलब ये टोटल ये कितना है 30 दिया हुआ है। अब आप अगर ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं तो ट्रेपेजियम में आपको एक चीज क्लियर होगा, जब ऑल यहाँ से यहाँ तक जब टोटल, मतलब ये जब यहाँ से यहाँ तक जब टोटल 15 है, तो ये जो हाफ की अगर जो बात की जा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये कितना हो जाएगा हाइट 7.5, मतलब ये 15 है यहाँ से यहाँ तक 15 है, अगर हम हाफ की बात करें तो 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, इस डायग्राम की अब यहाँ पे नीड नहीं है, ये सर में बना हुआ था, तो ये डायग्राम मैं इरेज कर देता हूँ। और इसके बाद आपको बताना है पॉइंट का एरिया ऑफ अ स्क्वायर यूजिंग बोथ वे, आपको दोनों मेथड से इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो हम फाइंड कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट केस हम सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट यहाँ पे डाल देते हैं कौन सा आ जाएगा ज्योति डायग्राम, ज्योति डायग्राम में देखिए क्या है आपके पास ट्रेपेजियम, टू ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम में देखिए फर्स्ट बेस ये है एंड सेकंड बेस 30 है, तो राइट कर लेते हैं बेस फर्स्ट 15 एंड बेस सेकंड ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ अ पेंटागन आपको फाइंड करने के लिए टू ट्रेपेजियम है, तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे क्या एरिया और हाइट भी यहाँ पे गिवन है। हाइट क्या है जब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से यहाँ पे जब ऑल 15 है तो हाफ की बात करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, ये चीज हमने राइट कर लिया। अब यहाँ पे ऑल जो ये डायग्राम दिया है इसमें ऑल में क्या है यूनिट भी दी हुई, यूनिट क्या है मीटर, मीटर है तो मीटर राइट कर लीजिए, मीटर फाइंड कर लीजिए एरिया ऑफ पेंटागॉन, एरिया ऑफ पेंटागन क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब आपके माइंड में आएगा ये मैंने एरिया ऑफ अ पेंटागन 2 मल्टीप्लाई ट्रेपेजियम क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रेपेजियम है और दोनों सेम है, इसलिए आपने यहाँ से 2 मल्टीप्लाई ट्रेपेजियम कर दिया। अब एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट बेस प्लस सेकेंड बेस अपॉन 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम का। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2 से 2 तो ये कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, फर्स्ट बेस प्लस सेकेंड बेस मल्टीप्लाई हाइट ही बच रहा है मैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है वो 2 से 2 तो ऑलरेडी पहले कट हो जाएगा। तो फर्स्ट बेस क्या है 15 मीटर, सेकेंड बेस हमारे पास है 13 मीटर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई जो हाइट दिया हुआ है, हाइट क्या है 7.5 मीटर, तो आप इसको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 45 मीटर, 30 प्लस 15 मतलब हो जाता है 45 मीटर और मल्टीप्लाई 7.5 मीटर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आपको क्या करना है डेसिमल मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आ रहा है इसका आंसर। देखिए इनका मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 45 मल्टीप्लाई 7.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। अब हम सेकेंड केस में सेकेंड केस क्या सॉल्व करेंगे, फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया, सेकेंड केस हमारे पास ये है कि हमको कविता डायग्राम फाइंड करना है, कविता डायग्राम। अब इसमें देखिए इसमें भी पेंटागॉन है, इसमें फॉर्मूला वही लगाएंगे एरिया ऑफ पेंटागॉन, और इसमें पेंटागॉन के लिए आपके पास और भी चीज गिवन है, इसके बारे में हम यहां पे ऐड करेंगे। देखिए यहां पे साइड है, साइड दी हुई है क्या 15 मीटर, और ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है उसमें बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, जब आप ट्रायंगल बनाते हैं तो उसमें बेस क्या है, बेस तो ये हो गया, बेस भी 15 मीटर और मतलब यहां से यहां तक 15 है, तो ये भी क्या होगा 15 हो जाएगा। अब इसमें हम अगर बात करते हैं, इसमें हाइट की बात करते हैं, तो आपको एक चीज क्लियर होगा, यहाँ से अगर आप एक लाइन में यहाँ पे बना देता हूँ, ये चीज़ हमने यहाँ पे बना दिया, यहाँ से यहाँ तक टोटल 30 है ये टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा 15 होगा, ये आपको क्लियर है, क्योंकि पेंटागन में और साइड तो इक्वल ही होगी, जब यहाँ से यहाँ तक 30 है तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ पे, हाइट हो जाएगी 15 मीटर, मतलब और यहाँ पे क्या है सर सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो आप फाइंड कर लीजिए एरिया ऑफ पेंटागॉन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पेंटागॉन आपको सॉल्व करने के लिए फाइंड करना पड़ेगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्यों सॉल्व करें, क्योंकि ये स्क्वायर है डायग्राम, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये यहाँ पे हमने राइट कर दिया। अब फॉर्मूला इसका क्या होता है, वो फॉर्मूला लगा दें, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट अपॉन 2 होता है। अब आपको यहाँ पे जो साइड हमारे पास जो गिवन है वो साइड यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए साइड क्या है हमारे पास 15 है, तो 15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, और यहाँ पे प्लस क्या है बेस क्या है, यहाँ पे बेस देख लीजिए, बेस भी आपके पास 15 है, बेस भी 15 है और हाइट भी 15 है, तो 15 मल्टीप्लाई 15 बाय 2 ये यहाँ पे लिख करेंगे, तो 15 मल्टीप्लाई 15 जब हम करते हैं क्या आता है 15 मल्टीप्लाई 15। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया हुआ था ये चीज़ हम यहाँ पे इरेज कर देंगे, यहाँ पे हमें किसी चीज़ की नीड नहीं है इस डायग्राम की, जो हमें सॉल्यूशन करना था ये इरेज कर देते हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ये मैथड जो मुझे यहाँ पे अप्लाई करना था वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, क्या आ जाएगा आप देख लीजिए क्या आएगा सॉल्व करने में, 15 मल्टीप्लाई 15 मतलब होता है 225 मीटर, यूनिट यहाँ पे मीटर है, मीटर आप लगा सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर यूनिट, क्योंकि मीटर भी दिया हुआ है, और यहाँ पे भी क्या है मीटर है और यहाँ पे भी मीटर है मीटर, तो
50 मल्टीप्लाई 15 यहां पे करेंगे तो 225 पाई रूट मीटर स्क्वायर, कौन क्या है यहां पे 2 है, तो 2 को आप इससे डिवाइड कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, देखिए डिवाइड करने में क्या आएगा, 2 1 2 2 1 2 2 2 4 और 5, यहां पे मैं राइट क्या करूंगा 225 मीटर स्क्वायर प्लस 112.5 मीटर स्क्वायर, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, ऐड करने में देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ऐड कर दीजिए 225 मीटर स्क्वायर और 102.5, इसको सम करेंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू तो है नहीं, ये हो जाएगा, ये हो गया 7 3 और 3, देख लीजिए 387 मीटर स्क्वायर। आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर दोनों का सेम आएगा, आंसर क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि डायग्राम सेम वही है, डायग्राम भी सेम है, हमारे पास बेस भी सही सेम है, हर चीज जब इक्वल है, हम जब उसी डायग्राम का जब एरिया फाइंड कर रहे हैं, मेथड चेंज है बट इसका जो आंसर होगा वो चेंज नहीं होगा, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं आपको नेक्स्ट और बता देता हूँ कैसे हमें यहाँ पे सिंपलीफाई करना है। सो नंबर यहाँ पे 11 देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे मैं डायग्राम बना दिया हूँ आपको, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए सब ये एडजेसेंट एंगल यहाँ पे बने हुए हैं, अब ये जो ये सॉरी ये एडजेसेंट डायग्राम पिक्चर बनी हुई है, इसमें से आपको ईच जितने भी यहाँ पे जो डायग्राम बने हुए हैं सबका आपको एरिया फाइंड करना है, मतलब ये ट्रेपेजियम, फर्स्ट ट्रेपेजियम, सेकेंड ट्रेपेजियम, थर्ड ट्रेपेजियम, फोर्थ ट्रेपेजियम एंड फिफ्थ, तो इसको यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ क्या यहाँ पे ब्लू से, जिससे आपको क्या होगा क्लियर समझ भी आएगा और यहाँ पे आप इजली फाइंड भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपको सॉल्व कैसे करना है, क्या क्या डायग्राम है यहाँ पे और फॉर्मूला अपने से अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ये भी डायग्राम क्या है, ये भी ट्रेपेजियम है, तो ये डायग्राम यहाँ पे है, ये भी ट्रेपेजियम है, ये डायग्राम भी ट्रेपेजियम, और लास्ट में ये जो डायग्राम आना है ये रेक्टेंगल, क्यों रेक्टेंगल है, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ क्या डिफरेंस है, सेम अगर होती तो हम ले लेते हैं स्क्वायर डिफरेंस है। अब इसमें एक चीज ये आपको मैं बता देता हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है, देख लीजिए, अब आपको अगर आप फर्स्ट ट्रेपेजियम ये ले रहे हैं, सबसे पहले आपको ट्रेपेजियम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, बेस, फर्स्ट बेस, सेकेंड बेस और हाइट चाहिए रहता है, तो हाइट आप कैसे फाइंड करेंगे, और इसमें एक चीज और भी दिया होगा, इनकी जो ब्रेथ है वो ऑल में इक्वल है, ब्रेथ मतलब जो भी इनकी हाइट होगी सब में क्या है, सेम है, तो अगर हम हाइट इसको फाइंड कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, किसी से भी आप फाइंड कर सकते हैं हाइट, देख लीजिए ये जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है 24 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 16 है, टोटल मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है 16 है, बट हमें यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो टोटल क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक मतलब यहाँ पे 24 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 24 होगा, तो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 24 है, अगर हम ऑल में क्या करें, मैं प्लस 4 यहाँ पे कर दूँ और प्लस 2 यहाँ पे कर दूँ, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हो जाता है 24, देख सकते हैं आप, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक टोटल 24 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 24 होगा, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 16, तो 16 प्लस 4 होता है 20 और 20 और 4 होता है 24, मतलब ये जो ब्रिज होगी ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी, तो इस केस में सब जगह जितनी भी यहाँ पे जो ब्रिज होगी वो ऑल क्या है सब में सेम होगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ये ब्रिज जो है 4 हो जाएगा, मतलब ब्रिज आपके लिए यहाँ पे हाइट का काम होगा, ट्रेपेजियम में जो ब्रिज होगी वो हाइट हो जाएगी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 मीटर और जितने भी हैं यहाँ पे सब भी क्या हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है चेक कर सकते हैं, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 28 है, तो यहाँ से 20 है, तो ये भी 24 मतलब 20 प्लस 4 24 4 28, यहाँ से यहाँ तक 28 हो गया,
अब आप अलग अलग फाइंड कर लीजिए टोटल, जिसका ई चीज का फाइंड करना है, सब मत कीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं क्या, फर्स्ट ट्रेपेजियम, ये हम फर्स्ट ट्रेपेजियम के लिए फाइंड करेंगे, ये सेकंड ट्रेपेजियम के लिए फाइंड करेंगे, हम थर्ड ट्रेपेजियम फाइंड करेंगे, फोर्थ ट्रेपेजियम फाइंड करेंगे और फिफ्थ हम फाइंड करेंगे रेक्टेंगल। ये सबको आप सॉल्व अलग अलग कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेपेजियम फर्स्ट। अगर आप करेंगे इस केस में आपके पास जो होगा क्या बेस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ फर्स्ट बेस की, तो यहाँ पे फर्स्ट बेस हो जाएगा आपके पास क्या 20 ले लीजिए, और जो सेकंड बेस है वो आप क्या लेंगे 28, और आपको हाइट लेना है 4। बस आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, फर्स्ट आपके पास आ जाएगा। अगर हम ट्रेपेजियम सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, तो सेकंड ट्रेपेजियम में क्या होगा, सेकंड ट्रेपेजियम मतलब ये, इसमें आप देखेंगे फर्स्ट बेस अगर यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 16 ही होगा, तो हम यहाँ पे देते हैं क्या फर्स्ट बेस, इसमें फर्स्ट बेस क्या हो जाएगा 16, सेकंड बेस क्या होगा 24, और हाइट तो और नहीं सेम है। अगर आप थर्ड ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, अगर आप थर्ड ट्रेपेजियम सॉल्व कर रहे हैं, तो थर्ड ट्रेपेजियम में क्या हो जाएगा, देख लीजिए ये थर्ड है, इसमें यहां से यहां तक क्या है 20 है, तो यहां पे 20 होगा, फर्स्ट बेस यहां पे मेरे लिए 20, सेकंड बेस क्या है 28 है, और हाइट क्या होगा इसमें 4। अब आप क्या होगा सर, ये फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सेम है, दोनों सेम है क्योंकि ये एडजेसेंट साइड बन रहा है, तो इसमें दोनों इक्वल होंगे, जैसे ये और ये दोनों इक्वल है। और ट्रेपेजियम अगर आप 4 की बात कर रहे हैं, ट्रेपेजियम 4 अगर आप फाइंड कर रहे हैं, इसमें ये 2 ट्रेपेजियम बेस हो जाएगा 16, सेम ये दोनों इक्वल होंगे, फर्स्ट बेस 16, सेकेंड बेस 24, और हाइट यहाँ पर लेंथ 4, हाइट ऑल में सेम है। अब लास्ट जो फिफ्थ नंबर है वो क्या है, इस रेक्टेंगल रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी क्या हो जाएगा, ये हम फिफ्थ नंबर कर लेते हैं रेक्टेंगल में। इसमें होती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए लेंथ, कोई लेंथ नहीं ऐड करेंगे, नॉर्मल ऐड कर देते हैं, लेंथ इक्वल क्या है, ये हो गई लेंथ, लेंथ हम यहाँ पे कितना लेंगे 20, और ब्रेथ क्या ले लेंगे यहाँ पे 16। अब आपको सबका एरिया फाइंड करना है, ईच का एरिया फाइंड मतलब अलग अलग फाइंड करना है, पहले आप फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ तक ऐसे सब अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, आपको एरिया फाइंड करना है ऑल का अलग अलग ये चीज का, तो आप ये एज भी फाइंड कर सकते हैं। अब इस टाइप के जो एक्सरसाइज थे भी जो रिलेटिव है वो आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।